नमस्ते बच्चों, क्या आपने सर्कस देखी है? सर्कस में सबसे ज़्यादा तालियां बजती है जोकरों के लिए। रंग बिरंगे चेहरे, नकली नाक और बाल लगाकर सबको हंसाने वाला जोकर होता है। जोकर लोगों की नकल करता है, उनको जोक सुनाता है। आप जैसे बच्चों को तो जोकर बहुत पसंद आता है। इस पाठ में हम आपके प्यारे जोकर को मिलने वाले हैं। जोकर के चित्र द्वारा हम कुछ मुहावरे और कहावतें सीखेंगे। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। भाषा की सुंदर रचना हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। यह दोनों भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाने में सहायक होते हैं। मुहावरे, कहावतें अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। कहावतों को लोकोक्तियां भी कहा जाता है। कहावत यानी कि समाज में प्रचलित कथन। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। यह पहला चित्र देखो। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना। दूसरा चित्र देखो। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रह जाना यानी कि कुछ न कर पाना। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। एक बच्चे को देख अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना यानी कि आश्चर्य चकित होना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना, गुस्सा होना। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का
श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस कहावत का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना, परिस्थिति के अनुसार बदलना, अवसरवादी। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों को कमी बताना। इसका यह मतलब है कि हम अपनी असफलताओं को स्वीकार न करके उसका दोष दूसरों पर डालते हैं, हार के लिए बहाने बताते हैं।